नाज़रीन आपको बताते चले कि एसपीओज जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हिस्सा हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि आज आरआर स्वाइन डीजीपी का दरबार जो कि आज कुपवाड़ा में हुआ, जो कि मुनक़द होने वाला था कल लेकिन उसके बाद उस आज मुनक़द हुआ, उसमें डीजीपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपीओज का भी जिक्र किया गया। एसपीओज के हवाले से ये बताया गया कि एसपीओज जो हैं, जब मीडिया नुमाइंदों ने इस हवाले से सवाल किया कि एसपीओज का मसला जो है वो काफ़ी टाइम से वो ज़ेर इल्तवा में है, वो काफ़ी परेशान है, तो आरआर स्वाइन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि वो हमारा एक हिस्सा है और हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं, शाना बशाना काम करते हैं और जो भी आने वाले वक्त में इसको गवर्नमेंट जो है वो आने वाले टाइम में इसको एक इंस्टीट्यूशनल वे की तरह देखेगी और इस पर ज़रूर जो है कदम उठाया जाएगा, इकदाम किए जाएंगे ताकि जो आम जो एक रेगुलर पुलिस वाले को अलोवेंसेस मिलते हैं या लोन्स मिलते हैं वो एसपीओज को भी मिले। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी एसपीओज अच्छा काम करते हैं पुलिस की जानिब से उन्हें जो है हमेशा सराहा भी जाता है और साथ ही साथ उन्हें रेगुलर करने की भी कोशिश की जाती है और कई सारी ऐसी चीज़ें की गई। उन्होंने कहा कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें बच्चे का पढ़ने का खर्चा या घर का कोई बीमार होता है, किसी को कोई इमरजेंसी होती है, घर में कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है या रहने का खर्चा जो भी है, इन तमाम चीज़ों पर जो है काम किया जाएगा, इकदाम उठाए जाएंगे और एक इंस्टीट्यूशनल वे से वे आउट निकाल कर गवर्नमेंट जो है इस पर आगे जाकर एक अच्छा फैसला लेगी जो कि एसपीओज के हक में बेहतर होगा। आपको ये बताते चले कि एसपीओज काफ़ी अरसे से इस चीज़ की का मुतालबा कर रहे थे कि उनको भी वेलफेयर स्कीम्स जो है वो उन तक भी पहुँचे, उनको भी अलोवेंसेज मिले जैसे कि रेगुलर पुलिस वालों को मिलते हैं। इसी तरीके से एसपीओज की भी ये डिमांड थी काफ़ी अरसे से। आज डीजीपी की जानिब से इस बारे में कहा गया और खुलासा किया गया कि आने वाले वक्त में कि इस चीज़ का अच्छे से जो है नोटिस लिया जाएगा और अच्छे से इस चीज़ पर गौर व खोज करके एक अच्छी खासी स्कीम जो है उसमें इनको भी हिस्सेदार बनाया जाएगा ताकि एसपीओज को भी वो सारी स्कीम्स अवेल करने का मौका मिले जो कि एक आम जो रेगुलर पुलिस वाला करता है। साथ ही भी बताया गया कि जो मार्टियर्स हैं, मार्टियर्स की फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते या उनको बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं और उस पर भी गौर खोज किया जा रहा है, उस पर भी अच्छे इकदाम उठाए जाएंगे और आने वाले टाइम में उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी होगी। साथ ही साथ ये एसपीओज के लिए इस वीडियो को नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम उन एसपीओज तक पहुँचाए जो कि इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और इस चीज़ से उनको भी खुशी मिलेगी कि उनका जो काम है वो जाया नहीं जा रहा, जबकि उनकी सताइश भी की गई डीजीपी की जानिब से। डीजीपी ने कहा कि वो हमारे शाना बशाना रहते हैं और जो कोई भी अच्छा काम करता है उसको रेगुलर भी किया जाता है, ऐसे भी ये किए जाते हैं, इकदाम किए जाते हैं पुलिस की जानिब से। जो कोई भी पुलिस एसपीओ अच्छा काम करता है उनको उनकी निशानदेही करके उन्हें रेगुलर में कन्वर्ट किया जाता है और उन्होंने ये भी कहा कि इनको रेगुलर में कन्वर्ट करने की भी कोशिशें जारी हैं और उसके लिए एक एक अच्छी ये गवर्नमेंट की जानिब से एक अच्छे से एक पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके बाद उन्हें भी जो है आम पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं जो रेगुलर होते हैं उन्हीं की तरह उन्हें भी जो है रेगुलर किया जाएगा और दीगर जितनी भी अलोरेंसेज वो लेते हैं या जो भी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उनमें भी उन्हें हिस्सेदार बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24x7। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।